हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट कुकिंग विद रजनी में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की रेसिपी। आ गया है हमारे फेस्टिवल का सीज़न, अब हमें चाहिए मिठाई, तो चलिए हम घर की बढ़िया गुलाब जामुन की रेसिपी बनाते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसकी मटेरियल्स, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले लेना है हमें मिल्क। मिल्क हमने बफेलो लिया है, आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, बफेलो या काऊ। ये देखिए हमने हाफ लीटर लिया हुआ है। इसमें हमें एक चौथाई कप घी लेना है। इसमें हमने 2 कप मिल्क पाउडर लिया हुआ है। अब इसे भी हमें साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमने गैस के ऊपर नहीं रखा है, अभी ये सब मटेरियल हम बस रेडी कर रहे हैं। अच्छे से जब हम इसे मिक्स कर लेंगे, ये देखिए बढ़िया से जब मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद हम इसे गैस के ऊपर, ये देखिए फटाफट इसे हमें चलाते जाना है। चलाते चलाते ये हमारे अच्छे से सूख करके बिल्कुल मावा जैसे धीरे धीरे बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। अब इसमें हमने 1/2 कप मैदा लिया हुआ है, ये बेकिंग पाउडर है, इसे भी हमें थोड़ा सा बिल्कुल डालना है। ये देखिए ये हमारा इलायची पाउडर है। इसमें हमने शुगर भी, जितना मीठा हमें चाहिए हम डाल सकते हैं, हमने 1/2 कप शुगर भी इसमें डाल लिया है। शुगर पाउडर लेना है। अब इसे अच्छी तरह से मिला करके हमें इसके आटे का जैसे डो तैयार करना है। मैदा आप थोड़ा ही डालना, ताकि जैसे बस उतना ही डालना जैसे कि हमारी गोली बन जाए, थोड़ी गीली भी रहेगी तो भी चलेगी। ये देखिए इस तरह से हमारा डो बन करके गुलाब जामुन का बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ये देखिए ऐसे छोटे छोटे करके हम इसे पीसेस इसके कट कर लेंगे। इस तरह से इसे हमें सर्कल बना करके इसमें हमें इसके बीच में आप किशमिश डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, या फिर रामदाना का दाना आता है आप उसे भी डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ इसी तरह के बीच में इसे डाल करके इसका मुंह बंद करके फिर से हमें इसे बढ़िया सा फिर से सर्कल बना देना है। इस तरह से बिल्कुल ऐसा चिकना बनाना है ताकि इसमें कोई भी डॉट ना दिखे। ये देखिए बिल्कुल चिकने बढ़िया गोले हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम शीरा रेडी करते हैं। हमने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हमने डाला है 1/2 किलो के करीब शक्कर लिया हुआ है। ये देखिए हमें चाशनी इसमें ज़्यादा ही बनानी होगी, थोड़ा नहीं बनाना है, ताकि हमारे जितने भी गुलाब जामुन रहे अच्छे से इसके अंदर अच्छे से उसमें हम डिप कर सकें। ये देखिए हमने इसमें 2 कप पानी लिया हुआ है। अब इसे अच्छी तरह से हम चलाते जाएंगे इसे, और इसका हमें सीढ़ा बिल्कुल हल्का सा ही रखना है, पतला ही रखना है। ये देखिए हमने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया है, और हमने केसर भी इसमें डाल दिया है। केसर और इलायची से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। हम इसमें कुछ बूंदी नींबू के रस के भी डाल देंगे हल्का सा। ये देखिए अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, और पहले हम छोटा सा गोला डाल के देख लिए थे कि हमारा तेल हो गया है कि नहीं, तो हमारा सब ऊपर आ रहे थे, इसलिए अब हम अपने गुलाब जामुन को फटाफट डालते जाएंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हम एक एक करके अपना फटाफट डालते जाएंगे, और गैस का फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम रखना है, फास्ट नहीं रखना है। ये देखिए, और इसे हम अपना कढ़ाई धीरे धीरे हिला रहे हैं, इसे हम कलछुल से नहीं ज़्यादा टच करेंगे। इस तरह से हिलाते हुए ये देखिए कितना बढ़िया कलर हमारे गुलाब जामुन का आया हुआ है। ये देखिए इसे हम निकाल करके सीधा अपने सीढ़े में डालेंगे, और सीढ़ी में डालने के बाद भी हमें 2 मिनट के लिए इसे सीढ़ी सहित वापस से बॉईल करना है। तो ये देखिए अब हमारे गुलाब जामुन बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे हम 4-5 घंटे के लिए अच्छे से भिंगा देंगे, उसके बाद हम इसे खाएंगे, और ये जैसे जैसे होता जाएगा इसका टेस्ट और भी बढ़ते जाएगा। तो ये देखिए अब हमारे गुलाब जामुन बन करके बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर
पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल बन करके रेडी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।